रानी जुगे जुगे जियो थारी माए भजाया थारी। हेलो दोस्तों, राम राम। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अब मैं भी ठीक हूँ भोलेनाथ की कृपा से। और मेरे पैर में क्या चोट आ गई थी, मैं गिर गई थी तो, और मतलब अभी भी उसमें सूजन है हल्का हल्का। और वो क्या दवा लगाई थी और एक दो दिन मालिश भी की थी मैंने, तो अभी थोड़ा फ़ायदा है। और आज है सोमवार, तो सोमवार का मेरा है व्रत महादेव बाबा का। आप सभी को पता है कि मैं महादेव बाबा की पूजा करती हूँ। और शायद ये सावन का चौथा सोमवार है, तो शायद सारी बहनों ने व्रत किया होगा। और मैं ना यहाँ पे मतलब पीछे की तरफ आई हूँ क्वार्टरों से, यहाँ पे मतलब कि ये आंखड़ा के कुछ डोडी लेके जानी है। और यहाँ से ये धतूरे के पेड़ों में से कुछ धतूरे लेके जाने हैं मेरे को, अगर मिल जाएंगे तो। और सामान तो मैं सारा जमा के आई हूँ। यहाँ पे देखो कितना मतलब हरी भरी है इस टाइम तो। और पिछले साल तो ना यहाँ पे मतलब पौधों में फूल आ रहे थे, पीले फूल आ रहे थे, और इस बार फूल नहीं आ रहे हैं पता। तो दोस्तों देख सकते हो ये धतूरा का पेड़ है, लेकिन इसमें आ कुछ भी नहीं रहा है इस समय तो, फूल भी नहीं आ रहे हैं। और ये आंकड़ा का है, इसमें भी कुछ नहीं आ रहे। तो फिर मैं भोलेनाथ की पूजा कैसे करके आऊँगी। ये फूल आ रहे हैं, चलो यही ले लेते हैं। ये तो खैर मेरे को लेने ही है, लेकिन देखते हैं और भी कुछ है तो ले लेते हो। मैं आंकड़ा के पत्ते, ये भी भोले बाबा को बहुत प्रिय है। अंदर देख सकते हो इनके अंदर वो बैठी है, मक्खी बैठी है शहद वाली। तो दोस्तों मैंने ले लिए थोड़े थोड़े से फूल चुन लिए, और धतूरे के धतूरे तो मिले नहीं है तो उनके पत्ते ही चुने हैं। तो फिर चलो अब हम चलते हैं पूजा के लिए मंदिर में। तो दोस्तों देखो मैंने पूजा की थाली पहले से जमा ली थी। बस क्या क्या रखा है इसमें, प्रसाद है, इसमें दही लिया है थोड़ा, और इसमें दूध, और ये पानी है, और मतलब ये पूजा के लिए ये लेके आई हूँ बाहर से। तो ये इनको मैं थोड़ा सा पानी में, साफ पानी में धोया था, और अब जा रही हूँ मैं पूजा के, जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो अब आ गई हूँ मैं मंदिर में पूजा करने के लिए। तो चलो फिर हम अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे करने आए हैं हम पूजा। तो अभी करने वाले हैं हम पूजा यहाँ पे। वैसे ये पूजा कर रहे हैं और हम भी करेंगे। पंडित जी राम राम। अंदर का बनाओ वीडियो। अंदर का तो ये पंडित बाबा है ना, यहाँ पे पूजा करते हैं, यहीं पे रहते हैं। और देखो बालाजी बाबा के भक्त भी हैं, हम भी आए पूजा करने के लिए। देखो पंडित बाबा ने मतलब चारों तरफ बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, और इधर भी हरियाली हो रही है। झंडा लगा रहे हो बाबा आज? झंडा लगा रहे हो बालाजी बाबा का? हाँ, जय श्री राम। और इधर भी लगा रखे बहुत सारे पौधे हैं। और अभी तो लगाने वाले हैं, लेके आए हैं। तो चलो फिर हम भी पूजा कर लेते हैं अब। तो अब कर लिया मैंने मेरे महादेव बाबा की पूजा, और आप भी कर लीजिए दर्शन। तो मैं अब जा रही हूँ घर, डोक दे के बालाजी बाबा के और शनिदेव बाबा के। चलो फिर डोक दे देते हैं। तो पूजा तो हमारी हो गई है, और अब जा रहे हैं हम घर पे वापस।
तो घर पे आ गए हम और हम देखो लॉक भी लगा के निकले। और इधर छोटी सी झिंगड़ी है तो वो रोज। और दोस्तों यहाँ पे देखो पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, क्योंकि रात को ना लाइट छोड़ गई थी, आज तो सारी रात गर्मी में मरे थे, तो अब सारी लाइट आ गई है तो सब चीज चल रही थी। पता नहीं कब आई थी, मैं तो चली गई थी मंदिर। और मेरा दूध भी उफड़ उफड़ के देखो कितना ऊंचा आ गया है, मैं इसको वैसे ही छोड़ के चली गई थी। चलो इसको बंद कर देते हैं। तो कुछ तो ठंडी रोटी है और एक मैंने मंडिया बनाया था गाय के लिए, तो मैं उसको दे के आती हूँ। देखो ये छोटा सा बछड़ा, गाय तो नहीं है, चलो इसी को दे देते हैं। एक मिनट, तोड़ तोड़ के दूंगी, रुक जा। तो इसको खिला रहे हैं हम रोटी, ये ले। आई तो मुंह में भी तो है, रोटी भी खिला दी है हमने। और मौसम फिर से देखो कैसा हो गया है, कभी धूप कभी छाए वैसे ही हो रहा है। तो नहीं तारक पापा आएंगे ना, तो मैं उनके लिए बस खाना बनाऊंगी और बच्चों को भी मैं लेट लेके आऊंगी, यसु को 12:30 बजे, नितारा को 1:30 बजे। तो उनका क्या, छोड़ने तो मैं एक साथ जाती हूँ लेकिन लेने में अलग अलग टाइम पे जाती हूँ। खैर कोई ना, दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बैठ गई हूँ नीचे, क्योंकि है ना मतलब कि मेरी एक इच्छा है, तो बता देती हूँ क्या इच्छा है। यह है कि आज श्रावण का 14 सोमवार है, वो भी लास्ट है, तो मैंने ना इस दिन मतलब एक भजन गाना चाहते हैं। वैसे तो मेरे को कुछ नहीं आता, ना एक कड़ी भी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है चलो गा के देखती हूँ आप लोगों को कैसा लगता है। और मतलब मेरे अंदर से मतलब दिल से ये सोचा है कि चल खेलू आज तो तू गा ही ले। मतलब पहली बार क्या पता किसी को पसंद आए या ना आए, कि मेरा दिल कह रहा है कि खेलू तू गा, चल जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, बोले राज जटी पट्टी धो लो हाथी, जल दी भोजनी पालो रे, गोरा रानी काए को रांधो तूने सागे, काहे का तने फूली का पोयारी। बोले राजा आकड़ा को रांधो साग, दतूरा का फूली का पोयारे, गोरा रानी कौन दियोरी तने ज्ञान, कौन तने शिक्षा दे गोरी। बोले राजा माई दियोरे मैनू ज्ञान, बोजाया मैनू शिक्षा दे वेरे। गोरी रानी जुग जुग जियो थारी माए, भोजाया थारी स्वागन री जोरी। गोरी रानी जुग जुग जियो थारी माए, भोजाया थारी स्वागन री जोरी। तो दोस्तों ना मतलब बहुत हिम्मत करके गाया मैंने, तो बताइएगा जरूर मेरी प्यारी प्यारी बहनों कि आपको मेरा भजन कैसा लगा। वैसे मेरे को ना इतना अच्छा गला नहीं चलता है मेरा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके गा के मतलब आपको सुनाए, आप बताइएगा जरूर। ठीक है, तो दोस्तों आ चुके हैं नितारा के पापा जी, तो मैंने इनके लिए खाना गरम गरम बनाऊंगी। हाँ दोस्तों, राम राम और सावन के लास्ट सोमवार की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं दोस्तों। तो मैंने वो खेलो कैसे चमक रही है, जिसने कैसे लुगड़ी ओढ़ी है। महादेव बाबा का व्रत करती है ना उस दिन, मतलब सभी लड़ी जो थोड़ा अलग लगती है, उनका चेहरे पर एकदम रौनक सी चमक सी होती है। और कल तो गांव भी जाने वाले हैं। हाँ दोस्तों, कल थोड़ी खुशी हो रही है। हाँ, और मेरे पैर में भी है ना, इन्होंने मतलब मालिश लगाई थी, तेल लगाया था और दवाई लेके आए थे, तो इन्होंने सूजन है, तो मतलब सही हो जाएगा वो तो, खैर जैसा भी है, लेकिन इन्होंने किया है ना। वैसे मौसी बहने बोलती है दीदी आप बहुत नसीब वाली हो, आपको ऐसा पति मिला, सच में नसीब वाली। तो चलो मैं ना इनके लिए खाना बना देती हूँ।